नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए आरजेडी के नेता की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ाई है, बल्कि अब बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल इस बात को सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन पूरा मामला क्या है वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में गुरुवार को फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने साल 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रामा देवी और सीबीआई ने भी पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व सांसद रामा देवी ने खुशी जताते हुए कोर्ट और सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले को लेकर काफी तत्परता जो है वो दिखाई है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या 1998 में उस समय कर दी गई थी जब ये IGIMS में इलाज के लिए भर्ती थे। निचली अदालत ने साल 2009 में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने उन तमाम 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और न सिर्फ पूर्व सांसद रामा देवी अपनी पति की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका को चुनौती देते हैं, बल्कि CBI भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सही नहीं है, इस पर विचार होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिस फैसले में 2 व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई है। एक है बाहुबली RJD के नेता पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, वही मुन्ना शुक्ला जिसे RJD ने वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़वाया। इस बार RJD को लग रहा था कि बाहुबलियों के जरिए वो वैशाली की सीट अपने पाले में कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और सूरजभान सिंह समेत तमाम जो और लोग थे वो बरी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। तो बाहुबली पूर्व विधायक RJD के नेता जो इन दिनों तेजस्वी यादव के बेहद करीब इर्द गिर्द नजर आ रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्याकांड ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता उस मामले में हत्याकांड मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता थे। रामा देवी जो शिवहर से सांसद थी भाजपा के, उनके पति थे, उनकी पति की पटना की IGIMS में हत्या कर दी गई थी, जिसमें सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला समेत तमाम लोगों का नाम आया था, राजन तिवारी का नाम आया था। ये तमाम मोस्ट वांटेड बाहुबली है बिहार का। जब भी अतीत पर अगर आप नजर डालेंगे तो सूरजभान सिंह, अनंत सिंह समेत तमाम जो बाहुबली, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, छोटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला का नाम आप जरूर पाएंगे। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।